अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश होंगे, खैरे से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। और लोलो में बहुत ही अमेजिंग कलेक्शन आई हुई है। ये तो मैंने जब रिकॉर्ड किया था तब 250 ऑफ़र चल रहा था, पर वो जाके मैंने देखा तो वो सिर्फ 2 डेज़ का, अराउंड 3 डेज़ का ऑफ़र था। तो मैंने कहा इसका तो डालना कोई बनता नहीं है, पर कलेक्शन बहुत ही अच्छी है, आप जा करके चेक कर सकते हो। और अक्सर इनके पास ऑफ़र रहता है कि आप अगर 200-250 की अगर आप शॉपिंग करते हैं तो 50 रियाल का वाउचर मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मिलता ही मिलता है। तो हो सकता है अभी फिर वो इस वीक फिर से ये स्टार्ट करें, क्योंकि फाउंडेशन डे आ रहा है, तो फाउंडेशन डे पे कुछ ना कुछ अच्छी ऑफर तो आनी ही है। और कलेक्शन बहुत ही अच्छी है, अच्छी कलेक्शन में आपने बेनिफिट उठाना है कि मींस की जो भी अच्छी ऑफर ये ला करके देते हैं। तो वैसे भी रमदान सूख का भी इन्होंने लाया हुआ है कि रमदान स्टार्ट होने वाला है, तो उसके हिसाब से भी इन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ें ला के रखी हुई हैं। और बच्चों के कपड़े आप देख सकते हैं, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी प्यारी फ्रॉकें आई हुई हैं। बॉयज़ की भी कलेक्शन अच्छी है, इवन की बेबीज़ की भी, और सब पे बहुत ही अच्छी अच्छी देखने को मिल रही है कलेक्शन, देख सकते हैं। और अभी तो बस यही था, सब पे इन्होंने लगाया हुआ था 250 ऑफ़र चल रहा था, पर ये चीज़ बहुत इन्होंने वो की कि सिर्फ इन्होंने 3 डेज़ के लिए ऑफ़र लगाया था, और जब तक पता चलता है तब तक तो ये ऑफ़र ख़त्म हो चुके रहते, पर इसको थोड़ा सा एटलीस्ट 1 वीक का करना था ताकि और भी लोग फायदा इसका उठा सकते थे। तो कलेक्शन अच्छी लग रही थी और देख के यही हो रहा था कि अफसोस कि बहुत सी चीज़ें बहुत से लोग मिस कर देंगे कि ये मीन्स कि हर किसी को इतने जल्दी पता नहीं चल पाता है। और देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही अच्छा हर तरह के ड्रेसेस आए हुए हैं। और इधर देखिए सलवार कमीज़ें मीन्स की सूट्स जो हम कहते हैं, बहुत ही प्यारी प्यारी डिज़ाइंस आई हुई हैं, हैवी और कॉटन्स और हर तरह के स्टिच ऑन स्टिच सब आए हुए हैं, और इन पे भी वही ऑफ़र चल रहा था। तो प्यारी प्यारी ड्रेसेस हैं, खूबसूरत हैं, हैवी में भी काफ़ी ज़्यादा हैवी भी आई हुई थी इनके पास, प्यारी प्यारी लग रही है। देखिए ब्लैक वाला बहुत प्यारा लग रहा है, और इस पर ग्रीन कलर भी था, इस पर काफ़ी कलर्स थे, बहुत ही प्यारे थे सारे ही। और ये अराउंड 200 की रेंज में थे, और काफ़ी जो है वो 300 की रेंज में भी थे, जो बहुत ही ज़्यादा हैवी में जा रहे हैं। तो अभी काफ़ी लोग ईद की भी शॉपिंग करना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि रमज़ान भी करीब आ रहा है, तो धीरे धीरे कोशिशें करते हैं कि ढूंढ के ले लें, क्योंकि रमज़ान के बाद तो फिर चीज़ें बहुत ही महंगी हो जाती हैं। फिर ईद जैसे ही करीब आने लगती है तो चीज़ों के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो हर कोई पहले ही शॉपिंग करने की कोशिश करता है कि पहले ही शॉपिंग कर लें। ये वाला भी बहुत ही प्यारा लग रहा था, प्रिटी, ये मीन्स कि ये नी लेंथ फ्रॉक है और उस पर शलवार, अभी बहुत ज़्यादा इस तरह के ड्रेसेस चले हुए हैं, तो ये वाला बहुत प्रिटी था। और इसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है कि मीन्स आप चेक कर सकते हैं, इसकी प्राइस 300 प्लस थी। और इस पे दूसरे कलर्स भी थे, पर ब्लैक पे इस मीन्स की ज़्यादा ही खूबसूरत, वो ज़्यादा ही लग रहा था उस तरह की एम्ब्रॉयडरी। और प्यारी प्यारी ड्रेसेस हैं, ये रहता है कि आपको सेम हमेशा यहाँ नहीं मिलती है, लुलू में हमेशा डिफरेंट ड्रेसेस मिलती है। और ये भी देखिए, ये भी काफ़ी हैवी में है और ये भी प्यारा लग रहा है, तो हैवी में बहुत ज़्यादा इस बार देखने को मिल रहा था, पता नहीं इन्होंने हैवी में ज़्यादा रखे ही है इस बार, क्योंकि इतने ज़्यादा मुझे हैवी में यहाँ दिखते नहीं थे लुलू में, पर इस बार हैवी ड्रेसेस भी बहुत ज़्यादा थे। देखिए ये वाला भी काफ़ी प्यारा लग रहा है, और पाकिस्तानी इनके पास भी रहते हैं और इंडियंस ड्रेसेस भी दोनों इनके पास रहते हैं। और ब्लैक वाले की ये देखिए, ये जो था मरून कलर में, एक ब्लैक वाली ड्रेस मैंने दिखाई थी, उसी की मैरून कलर में भी इन्होंने रखी हुई है, तो 3-4 कलर्स में वाली ड्रेस थी और प्यारी लग रही थी। देखिए प्यारी प्यारी, और हैंगर में हैंग रहती है तो थोड़ा सा लुक नहीं आता है, आपने अगर ठीक से चेक करें ना तो बहुत ही प्यारी ड्रेसेस होती हैं। और ये सारे कॉटन्स के हैं एज यूजुअल, जैसे यहाँ पे हमेशा रेगुलरली कॉटन के तो हमेशा यहाँ पे मिलते हैं, प्यारे होते हैं, खूबसूरत होते हैं, रेगुलर वेयर्स में आप पहन सकते हैं। देखिए हर की अलग अलग डिज़ाइंस हैं और खूबसूरत हैं, ये सारे ही पाकिस्तानी ड्रेसेस हैं। और बच्चों की भी काफ़ी ज़्यादा मीन्स की लहंगे चोली इस तरह की है, ये सारे इंडियन वेयर्स हैं अपने। और अनस्टिच में भी आप देख सकते हैं, अनस्टिच भी मटेरियल्स बहुत ज़्यादा इनके पास रहते हैं, बहुत ही प्यारी प्यारी कलेक्शन है, इंडियन एंड पाकिस्तानी बोथ अनस्टिच मटेरियल्स इनके पास रहते हैं। इनकी भी रेंज जो है 100-150-200 के अंदर ही ज़्यादातर रहती है, क्योंकि ये सारे कॉटन्स हैं। और अगर हैवी में होंगे अनस्टिच तो उनकी रेंज जो है थोड़ी 200 प्लस की हो जाएगी। काफ़ी बार बहुत ही खूबसूरत अनस्टिच ड्रेसेस भी इनके पास मिल जाते हैं, तो थोड़ी सी स्टिचिंग की प्रॉब्लम है, तो इसलिए ज़्यादातर लोग यहाँ स्टिच ही लेना पसंद करते हैं, कि स्टिच ड्रेसेस जो है ईजी है और आपको मीन्स की स्टिच करवाने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे लॉन्ग वेयर्स हैं जो अभी चले हुए हैं, वो भी इनके पास काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। अबाए की कलेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा रहती है लुलू में, बहुत से लोग यहाँ से भी खरीदना पसंद करते हैं। इस पे भी देखिए 59 रियाल्स में ये सारे अबाए लगे हुए थे, और इधर इन पे भी ऑफर लगा हुआ था, ये भी स्पेशल ऑफर में थे, तो ये डेली यूज़ के लिए इस तरह के ये अबाए थे, और कैजुअल टाइप के हैं, बहुत ज़्यादा हैवी में नहीं है। पर अबाए की मेरे ख्याल से आप धीरा, अगर इस तरह के अबाए लेने हैं तो आप धीरा मार्केट चले जाएँ, वहाँ आपको अच्छी प्राइस में, इससे भी कम प्राइस में और इससे भी अच्छी कलेक्शन मिल जाएगी। ये वुलन बहुत ही प्यारा लग रहा था, थोड़ा हैवी था,
पर खूबसूरत लग रहा था देखने में। और इधर ये कुर्तीज़ रखी हुई थी काफ़ी ज़्यादा, एज़ यूजुअल यहाँ पे डेडी वेयर्स की कुर्तीज़ बहुत ज़्यादा रहती हैं और इन सब पे ऑफ़र लगा हुआ था, तो ये बहुत ही अच्छी लग रही थी। डेली वेयर्स में ये 30, 40, 50 रियाल्स की तक की रेंज में रहती हैं। और अगर आप वेस्टर्न वेयर्स में चले जाएँ तो इनके पास वेस्टर्न वेयर्स की भी कलेक्शन बहुत ज़्यादा रहती है। और लॉन्ग में लॉन्ग मीन्स की लॉन्ग ड्रेसेज हैं, नी लेंथ ड्रेसेज हैं, हर तरह की ड्रेसेस मिलते हैं, टॉप्स हैं और टी शर्ट्स हैं, देख सकते हैं ये सब। और प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा रिजनेबल रहती है लुलू में। जेंट्स एंड लेडीज़ एंड बच्चों सबकी कलेक्शन इनके पास काफ़ी ज़्यादा रहती है। ये सारी लेडीज़ कलेक्शन है और देख सकते हैं ये नी लेंथ ड्रेसेज हैं और फुल लेंथ ड्रेसेज भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। ये जलाबिया टाइप से यहाँ पे बहुत ज़्यादा पहना जाता है। ये भी बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइन थे इनके पास। घर में ज़्यादातर लेडीज़ यहाँ पे इसी तरह का पहनना पसंद करती है, तो ये भी चीज़ मिल रही थी। ये काफ़ी ज़्यादा हैवी में था, ये मीन्स की लहंगा और विद चोली ये था पूरा सेट, देखिए ये 300+ में था, तो काफ़ी ज़्यादा हैवी भी इनके पास अभी आए हुए हैं। ये भी विद स्लीव है, कुछ थे विदाउट स्लीव थे, पर ये वाला भी देखिए ये सारे जो थे ये 300 की रेंज में थे और ये सारे हैवी हैं और खूबसूरत लग रहे हैं। तो लुलू में इस तरह की चीज़ें अक्सर ही मिल जाती हैं, आपने अगर कुछ स्पेशल पहनना है ना तो लुलू में आकर के ले सकते हैं। और हमारे यहाँ यही परेशानी होती है कि इस तरह की ड्रेसेस हम किधर से लें, तो लुलू में काफ़ी ज़्यादा आपको वाइड वैरायटी मिल जाती है। और ये कॉटन की कुर्तीज़ हैं बच्चों की, छोटे बच्चों की है, बच्चियों की, बहुत ही प्यारी लग रही थी मुझे। और इस तरह की मीन्स की औरतों की भी आनी चाहिए, लेडीज़ को भी कॉटन की, हमारे यहाँ तो इंडिया में बहुत ज़्यादा पहना जाता है। ये सारी भी बच्चों की ही हैं ड्रेसेस और नी लेंथ फ्रॉक टाइप से है बच्चियों की, तो प्यारी ड्रेसेस हैं। बहुत से लोग यहाँ से लुलू से इस तरह की चीज़ें शॉपिंग करना चाहते हैं। ये देखिए ये बच्चे बॉयज़ की भी ड्रेसेस थी और गर्ल्स की तो फ्रॉकों की तो कलेक्शन बहुत ज़्यादा यहाँ पे रहती है, 100 तक की रेंज में रहती हैं, कुछ 50-60 में भी आपको मिल जाती हैं फ्रॉकें, पर ज़्यादातर 99 रियाल, 90 रियाल, 110 रियाल इस तरह की प्राइस रेंज में रहती हैं। तो खूबसूरत भी हैं और फ्रॉकें इस रेंज में ही मिलती हैं। अगर आप प्रिटी फ्रॉक लेना चाहते हैं, खूबसूरत हैं, तो इसी तरह की रेंज में ही मिलेंगी और बहुत ही प्यारी प्यारी देखें। और अभी क्योंकि ईद करीब आने वाली है, रमजान, तो इस वजह से इस तरह की चीजें ज्यादा को ही देखने को मिल रही है। बैग्स हैं, लेडीज बैग हैं जो कि सिर्फ आपको 42 रियाल्स में मिल रहे हैं और खूबसूरत लगते हैं इनके लेडीज बैग भी। और क्योंकि रमजान करीब है तो रमजान का सूख भी इन्होंने लगा ही दिया है और देखें कितना प्यारा डेकोरेशन है, इतना खूबसूरत लग रहा है। अब विम्टो तो सबसे पहले इसका एंट्री में ही मीन्स एंट्रेंस तो इसी से होता है और रू अफजा भी आ चुका है। और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग अब इसी पे रमजान की शॉपिंग पे ही जरूर जल्दी से जल्द लाऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और इसी तरह आगे भी सपोर्ट करते रहें जैसे अभी तक सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच।